नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। टेस्ट क्रिकेट में भारत के मौजूदा समय में सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा का खराब फॉर्म बदस्तूर जारी है। मेलबर्न में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में भी उनका बल्ला खामोश रहा। हैरान करने वाली बात तो यह है कि मिस्टर कंसिस्टेंट के नाम से मशहूर चेतेश्वर पुजारा के बल्ले से पिछले 17 पारियों में एक भी शतक नहीं निकला है। चेतेश्वर पुजारा ने आखिरी बार शतक 2 साल पहले 2018 में पिछले ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर ही लगाया था, लेकिन तब से अब तक उनके बल्ले से एक भी शतक नहीं निकला। ऐसे में भारत के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने पुजारा को बैटिंग कोच से बात करने की सलाह दी है। सुनील गावस्कर ने कहा, चेतेश्वर पुजारा को बैटिंग कोच विक्रम राठौर से बात करनी चाहिए, क्योंकि वो इसी के लिए नियुक्त हैं। पुजारा ने कुछ शानदार गेंदों का सामना किया। एडिलेड और मेलबर्न में वो जिस गेंद पर आउट हुए, वो एक शानदार गेंद थी। ऐसी गेंदों पर बल्लेबाज बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, जबकि दूसरे मैच की आखिरी पारी में वो काफी जल्दबाजी में थे। अमूमन हम चेतेश्वर पुजारा को ऐसा खेलते हुए नहीं देखते। आपको बता दें, दोनों मैचों की 4 पारियों में अभी तक चेतेश्वर पुजारा ने 43, 0, 17 और 3 रन बनाए हैं। ऐसे में टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने पुजारा को अहम सलाह दी है। देखना होगा कि टेस्ट सीरीज के तीसरे मैच में चेतेश्वर पुजारा बल्लेबाजी में कमाल करते हैं या फिर एक बार फिर उनका बल्ला खामोश ही रहता है। बहरहाल, दोनों टीमों के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच 7 जनवरी से खेला जाएगा। मौजूदा समय में टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये सीरीज 1-1 से बराबरी पर आ गई है। दोनों टीमों के लिए अगला मैच काफी अहम है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।